हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक पंप आया है मोटर, इसकी हम यहाँ पे सील फिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये पानी निकल रहा था, इसके सील से प्रेशर बन नहीं रहा था। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे 12 mm की सील है बिना लॉक वाली। इस पर हम क्या करेंगे, पत्थर होता है जो इसकी रबड़ होती है, इस पर हम ग्रीस लगा लेंगे ये, और साथ में जहाँ पे ये फंसती है अंदर उसके चारों साइड उस पर भी हम इस पर वो ग्रीस लगा लेंगे। वरना आप बिना ग्रीस के इसको लगाएंगे तो जब आप दबाएंगे तो ये सही से बैठेगी नहीं, और ग्रीस लगाने के बाद स्मूथली ये बैठ जाएगी। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने पुश कर दिया दोनों साइड से सपोर्ट करके, और ये मेरी पूरी अच्छी तरीके से बैठ गई है, कहीं पे कोई ऊंची नीची या कोई अटकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई और अच्छे से बैठ गई। हम इसको यहाँ पे इसका जो भी एक्स्ट्रा ग्रीस आया है ऊपर साइड, इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ कर देंगे। देख सकते हैं ये साफ कर दें अच्छे तरीके से, और आपकी सील परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। ये मेरी साफ हो गई है, ये हमारा पत्थर लग गया, लाल रंग की सील है हमारी, लाल पत्थर में, और उसके बाद ये इसको हम पुश करके दबा देंगे इस तरीके से। इस पर लॉक नहीं होता है दोस्तों, ये लॉक वाली सील नहीं है, ये बिना लॉक वाली सील है। और उसके बाद जो इसका एम्पलर है ऊपर से हम एम्पलर लगा देंगे, और ये सील को क्या करेगा, दबा के रखेगा जिससे ये हमारी ऊपर को नहीं आएगी और पानी रिस करके अंदर से निकले। तो अब हम इसको टाइट कर लेते हैं, पहले इसको बैठा लें कहाँ पे को बैठ रहा है ये सही तरीके से, और पीछे से इसका फैन घुमा रहा हूँ, चाहे आप आगे से घुमाएँ या पीछे से घुमाएँ, ये देख सकते हैं ये मेरी बैटरी है, एम्पलर है जो इसका ये, और टाइटली पूरा टाइट कर दें एम्पलर, क्योंकि इसमें क्या है हमारा ऊपर का नट इसमें है नहीं, एम्पलर को रोकने के लिए यहाँ पर नट लगता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर है नहीं। अब हम इसका जो हेड होता है इसको भी इसके साथ लगाएंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं हम इसे लगा देते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। बाकी ये देख सकते हैं जो इसका हेड लगता है, यहाँ पे पैकिंग होती है हमारी, ये पैकिंग दब जाती है कई बार, तो इसमें हम चारों साइड से ग्रीस को लगा लेंगे ताकि हमारी जो पैकिंग है वो जहाँ से भी दबी होगी वो चीज़ ये सब कवर हो जाए।
यहाँ पे हम ये इसका हैंडल जो है इसको टाइट कर लेते हैं और फिर हम चला के देखेंगे यहाँ पे पानी डाल के कि हमारी सील लीक कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि सील लीक है या नहीं है फिट करने से पहले। तो सारा चीज़ परफेक्ट तरीके से कर रखा है तो सील लीक नहीं मारनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो में बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। तो मोटर ये हमारी चल गई है, इसको मैं कुछ देर चलाता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी सील से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसकी तार हिल गई, मैं इसे लगा के फिर से दिखाता हूँ। तो आप वेट करें थोड़ी देर, इसको चला लें। तो ये चल चुकी है काफ़ी देर, अब हम इसको दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये रहा, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो हमारा किसी तरीके का कोई पानी नहीं आ रहा है। वैसे भी आप इसको अगर सही तरीके से कनेक्ट करेंगे तो सील को पानी आएगा ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।